नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मुजफ्फरपुर में घूमने के लिए मोस्ट फेमस प्लेसेस के बारे में। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के अंत तक ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो सके। दोस्तों मुजफ्फरपुर बिहार राज्य का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जिला है जो अपने लीची के बागों के साम्राज्य के रूप में जाना जाता है और बिहार के प्रमुख शहरों में से भी एक है। मुजफ्फरपुर गंडक और बागमती नदियों के किनारे पर स्थित है। तो आइए जानते हैं मुजफ्फरपुर में घूमने के लिए मोस्ट फेमस प्लेसेस के बारे में। नंबर वन, बाबा गरीबनाथ मंदिर। दोस्तों बाबा गरीबनाथ मंदिर शहर के दिल में स्थित है। बाबा गरीबनाथ मंदिर मुजफ्फरपुर के दर्शनीय स्थल में से सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है। यहाँ भगवान शिव की मूर्ति बाबा गरीबनाथ के रूप में मंदिर में स्थापित है और स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यह कहा जाता है कि मंदिर का काफ़ी पुराना इतिहास है। ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाबा गरीबनाथ का धाम का 300 साल पुराना इतिहास रहा है, लेकिन मिले दस्तावेज के अनुसार 1812 ईस्वी में इस स्थान पर छोटे मंदिर में बाबा की पूजा अर्चना होती रही थी। नंबर टू, जुब्बा साहनी पार्क। जुब्बा साहनी पार्क स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी जुब्बा साहनी के नाम पर बच्चों का पार्क मुजफ्फरपुर की मिठनपुरा में स्थित है। जुब्बा साहनी पार्क किसी अन्य बच्चों के पार्क की तरह है, लेकिन हरे भरे पेड़, मखमली घास, झाड़ियाँ और शांत वातावरण के कारण यह बस्ते को बच्चों और पर्यटकों का पसंदीदा पिकनिक स्पॉट बन गया है। पार्क में लंबी और ऊंची लाइटों की कतार, सूर्यास्त के बाद इस पूरे पार्क क्षेत्र का प्रकाश की रोशनी से जगमगा देती है। मुजफ्फरपुर के दर्शनीय स्थल में से यह मुख्य पिकनिक व मनोरंजन स्थल के रूप में माना जाता है। नंबर थ्री, रामचंद्र शाही संग्रहालय। जुबाबा साहनी पार्क के बीच में रामचंद्र शाही संग्रहालय का निर्माण 1979 में विभिन्न कलाकृतियों, अष्टदिक पाल और मानसा नाग जैसे मूर्तियों को दिखाता है जो देखने के लिए एक दिव्य दृष्टि है। प्राचीन बर्तनों का संग्रह भी जटिल रूप से बनाई गई मूर्तियों के साथ संग्रहालय का एक प्रमुख आकर्षण है। नंबर फोर, खुदीराम बोस मेमोरियल। खुदीराम बोस मेमोरियल एक 18 वर्षीय सेनानी खुदीराम बोस को समर्पित है जो ब्रिटिश मुजफ्फरपुर के सत्र न्यायाधीश किंगफोर्ड पर एक बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। खुदीराम बोस से अपने स्वतंत्रता सेनानी परमूल कुमार चाकी के साथ मिलकर किंगफोर्ड को बम से उड़ाने की योजना बनाकर उसकी बग्घी पर बम फेंका था, परंतु दुर्भाग्यवश किंगफोर्ड तो बच गया और दो अंग्रेज सिपाहियां मारी गई। उसके बाद अंग्रेज सिपाही उनके पीछे लग गए। प्रकुल कुमार चाकी ने तो खुद को गोली मारकर शहीद कर दिया, परंतु खुदीराम बोस को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। नंबर फाइव, चतुर्भुज स्थान मंदिर। दोस्तों चतुर्भुज स्थान मंदिर मुजफ्फरपुर के दर्शनीय स्थलों में से सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह शायद क्षेत्र और बिहार राज्य के सभी पवित्र मंदिरों के बीच सबसे पुराना मंदिर है। 12वीं सदी के मध्यकालीन युग के अपने इतिहास के साथ यह मंदिर लगभग 6 साल पुराना है। मुजफ्फरपुर नगर के चतुर्भुज स्थान मोहल्ले में तकरीबन 1200 ईस्वी में स्थापित अति प्राचीन बाबा चतुर्भुज नाथ मंदिर भक्ति व आस्था का केंद्र है। यहाँ भगवान चतुर्भुज यानी हरिहर श्री विष्णु जी का भव्य प्रतिमा स्थापित है। यहाँ एक प्राचीन शिवलिंग भी है। श्री राम मंदिर, यह प्रसिद्ध भगवान राम मंदिर साहू पोखर के छोटे गांव में स्थित है। यह ऐतिहासिक और सुंदर मंदिर हर दिन हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। वास्तव में यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या में जाकर देखे तो यह आसानी से मुजफ्फरपुर के दर्शनीय स्थल में सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। मंदिर भी बहुत विशाल है और कई हिंदू देवताओं को समर्पित कई छोटे छोटे मंदिर को समायोजित है। और इन मंदिरों में से एक मंदिर है जिसमें एक विशेष शिवलिंग है जो पूरे भारत में तीसरा सबसे बड़ा है। कहने की जरूरत नहीं है कि कोई भी पर्यटक स्थल इस विशेष मंदिर को देखने के बाद याद करे बिना नहीं रह सकता है। नंबर एट, रामन देवी मंदिर। दोस्तों ये मंदिर मुजफ्फरपुर जिले के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है। यह मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित एक मंदिर है। हालांकि मुजफ्फरपुर के अन्य मंदिरों के विपरीत यह किसी भी समृद्ध इतिहास को बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन यह बढ़ावा देता है सौंदर्य और स्थापित सौंदर्य की। इस मंदिर का निर्माण वास्तव में श्री बाबा बाबू नामक एक स्थानीय व्यापारी द्वारा वर्ष 1941 में पूरा किया गया था, लेकिन उन्हें दुर्गा माता का वफादार भक्त माना जाता था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मंदिर कुछ दशकों के मामलों में मुजफ्फरपुर के मंदिरों में से सबसे बड़े अधिक मांग वाले मंदिर बन गया है। इस तरह के अल्प अवधि में इसकी लोकप्रिय वास्तव में अपनी वास्तुकला की सुंदरता के लिए श्रद्धांजलि है। सब कुछ रामन देवी मंदिर मुजफ्फरपुर के धार्मिक स्थलों में से एक। तो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।